भागवत पुराण दसम स्कंद 35वां अध्याय युगल गीत। भागवत पुराण दसम स्कंद 35वां अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़े कठिनाइयों से अपना दिन बिताती। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नट नागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं हाँ बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अंधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और तब और उन तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती है। उनके वक्ष स्थल पर जो श्री वत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं तब व्रज के झुंड बैल गौएं और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे ना निगल पाते हैं ना तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसे वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों,
नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती है कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूली हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंद भागिनी हैं। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संजारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती है। दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चढ़ती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुक कर धरती छूने लगती है, मानो प्रणाम कर रही हो। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएं उड़ेलने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे शिरोमणि है ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खौड़ कितनी फबती है, बस दिखती देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौड़े बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नट नागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूकने लगते हैं। उस समय सखी मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे व्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखर पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गर्जने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका नहीं उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता,
वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर दे लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुहारियों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेल में बड़े निपुण हैं। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागिनियाँ उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अंधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपने सूध बूध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा व्रज कमल और अंकुश आदि के विभिन्न और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब व्रज भूमि गौओं के खुड़ के से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह ध्वंसी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जुड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। अरे वीर, उनके गले में मनियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है, तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मनियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नी हरिनिया भी अपना चित्त और उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंदन नंद नंदन को घर घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एक टक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं देती। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़े पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसा पुत्र मिला है। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है, वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह के
वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाला लाल की सेवा करती हैं और गंधर्व आदि उपदेवता वंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरि सखी श्याम सुंदर व्रज की गौ से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है? सखी, रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना यह क्या हो आ रहा है। गौओं के कुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वन माला पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गई हैं, फिर भी अपने इस शोभा से हमारे आँखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा, हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी देखो कैसा सौंदर्य है, मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई है, कुछ कुछ ललाई दिखाई हुई, कैसी भली जान पड़ती है। गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधपके पेड़ के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, व्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब व्रज में रहने वाली गौओं का हम लोगों का दिन भर का असहाय विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़ भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था, वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपने अपने सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते।